लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भागलपुर में होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने भागलपुर समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी के सामने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अजीत शर्मा ने जहां अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों में महागठबंधन के प्रति जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और जनता जिस तरह भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में उत्साहित है, पूरे प्रदेश में महागठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दौरान अपना परचम लहराएंगे। मैंने नामांकन करके निकला है, बहुत ही जनता में उत्साह है। जो भी आप सभा में सुने कि बहुत लोग आए हैं, हमको लगता है कि जनता तय करती है कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, और जनता का जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, कहीं कोई लड़ाई नहीं है और जनता चाहती है कि लोकसभा में संसद में जाके हम उनकी आवाज़ बने, उनके विकास के काम को करें। तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ पूरी भागलपुर की जनता को, पूरे लोकसभा की जनता भाई बहनों को, क्या आपको विकास मिलेगा, सम्मान के साथ आपका विकास करेंगे, जो आज तक 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। कितनी चुनौती मानते हैं सर? कोई चुनौती नहीं, जनता वोट देती है, जनता में जो उत्साह है हमको लगता है कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। 5 वर्षों में 10 क्वेश्चन ही हमारे आदरणीय सांसद अजय मंडल जी ने बोला है। हम तो विधानसभा में अगर आप मेरा देखेंगे इस सत्र में तो मेरे 92 क्वेश्चन हैं। जनता भाई बहनों के बीच हम सब जगह जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार मौका दीजिए और आपको भागलपुर का विकास होगा। इस दौरान अजीत शर्मा के साथ पर्चा दाखिल कराने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधानमंडल के नेता शकील अहमद खान सहित कई कांग्रेस और राजद के नेता मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जिस तरह से भागलपुर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, अजीत शर्मा की जीत पक्की है। वहीं उन्होंने पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे महागठबंधन या कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं है, हमने उन्हें टिकट नहीं दिया है। हमारे महागठबंधन से 26 उम्मीदवार राजद के और 9 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं और 5 उम्मीदवार वामदलों के हैं। इसके अलावा अगर कोई नामांकन कर रहा है तो उसे कोई सीरियसली नहीं लेगा। बिहार में महागठबंधन सभी 40 की 40 सीट जीतेगी। नरेंद्र मोदी की रैली पर उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही आते हैं, उन्होंने जनता से वादा खिलाफी की है, जनता इस बार उनकी कलाई खोल कर रख देगी। महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा जी का पार्टी हो रहा है, उसमें अंदर केवल हम लोगों ने बाहर से उनको शुभकामना दे दिया और एक पब्लिक रैली आयोजित है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। अब हम लोग वहां जा रहे हैं शुभकामना सैंडिस कंपाउंड में। बाकी जो यहां स्थिति देखने से लगता है कि अजीत शर्मा जी भारी बहुमत से जीते। गठबंधन ने 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 9, 5 वाम दलों से और 26 राष्ट्रीय जनता दल। इसके अलावा कोई भी अगर करता है कि कहीं पे भी, वो महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा अधिकृत रूप से और उसको कोई सीरियसली। भागलपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर 28 मार्च से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हुई थी, जो नॉमिनेशन की अंतिम तिथि गुरुवार 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ संपन्न हो गई। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि तक भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें एनडीए के जदयू प्रत्याशी सह भागलपुर के निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल और महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सह नगर विधायक अजीत शर्मा के अलावे बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूनम देवी, निर्दलीय उम्मीदवार सम्मुखिया अजय राय, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से नाथनगर राघोपुर टीकर के उमेश प्रसाद यादव, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मुकेश कुमार के अलावे नाथनगर गोराचक्की नवटोलिया के निर्दलीय पिंटू कुमार गुप्ता, पीरपैती के हरिराम यादव समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में जहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होना है, वहीं नामांकन की बात करें तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और कुल मिलाकर अभी तक जो रिकॉर्ड आए हैं 21 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और इन 21 लोगों में हम बात करें तो महागठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा कांग्रेस के और जदयू के अजय मंडल ने एनडीए की तरफ से नामांकन किया है। साथ ही कई निर्दलीय और छोटे छोटे दल के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। 5 तारीख को स्क्रूटनी किया जाएगा और 8 तक आप नाम वापस ले सकते हैं और उसके बाद जो चुनाव की रणभेरी बजी है वो पूरे अपने सबाब पर होगी। फिर से चुनाव प्रचार का जो दौर है वो काफ़ी तेज होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी एन प्रदेश, भागलपुर।
लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूनम सिंह कुशवाहा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी के कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद पूनम सिंह कुशवाहा ने अपनी पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा, किसी भी हालत में पूनम सिंह कुशवाहा को हम लोग जीत दिलाएंगे। पूनम सिंह कुशवाहा ने कहा कि बहन मायावती ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, इसलिए आज हम भागलपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हैं। आगे पूनम सिंह कुशवाहा के पति अजय रविदास ने कहा कि हमारी पत्नी चुनावी मैदान में है, मेरी पत्नी चुनाव जीतकर शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करेगी, जिससे भागलपुर लोकसभा की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बैठक में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज भारती, नवगछिया के जिलाध्यक्ष विद्यानंद सागर, प्रदेश सचिव प्रिंस कुमार मंडल, प्रखंड अध्यक्ष पीरपैती रंजीत दास, दयानंद दास, उदय चमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा, कभी ऐसा मतलब भागलपुर में नहीं करके दिखाऊंगी। क्या भागलपुर में हुआ है? जैसे विकास, पानी, बिजली हो गया, पढ़ाई के हो गया। कितना समर्थन मिला लोगों से? बहुत। कहाँ से आए? नारायणपुर से। क्या मेरी धर्म पत्नी पूनम सिंह कुशवाहा अगली बार चुनावी मैदान में उतरी है और मैं बहन जी भारत के राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त बहुजनों को हौसला बुलंद करने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसने हमारी पत्नी को मौका दिया। तो मेरी पत्नी तेज तर्रार है और ये खुद सोच सकती है और खुद आगे बढ़ सकती है। तो चुनावी मैदान में मेरा जो सोच है सेवा और सहयोग का, हमारी राजनीतिक सेवा और सहयोग है। थोड़ा इसमें जैसे हम युवाओं को, महिलाओं को, अभिभावकों को बेहतर सुविधा दे सके, खासकर युवा को ये संदेश देना चाहते हैं, युवा अन्य पार्टी का दरी बिछा रहे। मेरा उम्र 26 साल हो रहा है, मेरी पत्नी का उम्र भी 26 साल हो रहा है। देखिएगा कि लोकसभा अन्य पार्टी में दरी बिछाने का काम करता है, अपना उम्र बिता देता है, लेकिन उसको मंच पर जगह नहीं मिलता। हम बहन जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम जैसे युवा को लोकसभा में लड़ा रहे चुनाव। मैं रिक्शा चलाने वाला का बेटा हूँ, रिक्शा चलाने वाली की बहू है और एक रिक्शा चालक का बेटा अजीत शर्मा जैसे, अजय मंडल जैसे को चुनौती देगा। कितना बहुमत मिल रहा है? देखिए जो हमारा समीकरण है, ये जो भागलपुर की जो धरती है, यहाँ दबे कुचलों की आबादी ज़्यादा है, दलितों में आबादी नहीं, उम्मीदवार नहीं है, कुशवाहा में उम्मीदवार नहीं है, तो एकमात्र, और महिला में भी उम्मीदवार सुनने वाला नहीं है, तो एकमात्र उम्मीदवार सभी जातियों को साथ ले जाने का काम करेगी पूनम सिंह कुशवाहा। भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान सहित महागठबंधन के सभी दलों के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखकर महागठबंधन के नेता काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जदयू पर जमकर निशाना साधते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा भी किया। आपको बता दें, भागलपुर लोकसभा में जो 6 विधानसभा है वहां में हर जगह हर जाऊंगा, हर 2 महीने पर वहां पर मैं कार्यालय में बैठूंगा और एक एक पंचायत की जो समस्या होगी जनता की आवाज लोकसभा में उठाने का काम करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपने जिसे वोट दिया है वो आपकी आवाज बनके, आपके पीछे किसानों की समस्या हो, गरीबों को समस्या हो, जो भी समस्या चाहे आपका जमीन जो कोसी और गंगा से कट रहा है उसको बचाने का काम किया हो, एम्स की स्थापना के काम कर रहा हो, भागलपुर में करके दिखाएंगे। क्योंकि वक्त कम है, लेकिन आपसे आग्रह है, आप लोग अभी से अपने अपने गांव में लग जाइए, विकास की जीत होनी चाहिए, आपके सम्मान के साथ हम विकास करेंगे और जीत दर्ज कीजिए। मैं 5 साल तक मैं भी लगातार राज्यसभा में काम करता हूँ, पार्लियामेंट में काम करता हूँ, मैं तो उनको कभी चेहरा से भी नहीं पहचान पाया, मैं कभी देखा नहीं किसी अखबार में कि कोई भागलपुर की समस्या को उठाते हुए। इस बात के सांसद हो आप और
और जिस पार्टी से है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम क्या कुछ कहना नहीं चाहते, हम लोगों के वरिष्ठ हैं, लेकिन वो किस अवस्था में चल रहे हैं वो भी सब आप समझते हैं, भागलपुर क्या पूरा बिहार का लोग समझता है। और ऐसी परिस्थिति में कभी भी सही फैसला हो नहीं सकता है, तो उनसे अगर गलती हुई उसी उम्मीदवार को फिर से उतारने का, तो मैं आपसे अपील करता हूं जनता की अदालत में उस फैसले को ठीक करने का समय आ गया है। सिर्फ सिटी के नाम से अब कोई शहर मशहूर हो जाए, लेकिन जो रेशम का काम, हाथों के हुनरमंदी का काम जो दुनिया भर में भागलपुर से गया, यहाँ के जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं, जो बुनकर समाज है, उनके माध्यम से जो उनके हुनरमंद हाथों के काम गए, उसने दुनिया में भागलपुर को मशहूर किया। लेकिन बद नजर कभी इस पे पड़ गई, इसी भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर पूरी नजर डाली और हमारे बीच के आपसी रिश्ते में दरार आने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के ये कोशिश की है, पूरे हिंदुस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं और बिहार और भागलपुर में भी ये कोशिश में है कि ये जो गुलचे के मानिंद हमारा चमन गुलिस्तान है ये बना रहे। मैं तो बक्सर की धरती से आया हूँ आपके बीच में और सिर्फ एक अपील करने के लिए आया हूँ कि आप सबों के बीच से, आप सबों के घर से, आप सबों के गांव से हमारे यहाँ जाकर के लड़ने वाले पंडित सोनी चौबे जी को दो दो बार बक्सर की धरती से बीए कराने का काम वहाँ की जनता ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका जो अपमान किया गया वो फूट फूट कर सोशल मीडिया पर और टीवी पर हो, क्या ये भागलपुर की जनता का ये अपमान नहीं है? अगर अपमान है तो आप जगो, उठो और विश्वास करो इंडिया गठबंधन में, उसका बदला हमें अजीत शर्मा को अपने मंच को देने के रूप में और भारी मतों से विजयी बनाने में ये आपका आधार रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पूर्व भूनाथ मंदिर में अजीत शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की और महादेव से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वो मौलाना चक स्थित मजार पर चादरपोशी की। वो काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता का पूरा तरह से समर्थन मिल रहा है। नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड में अजीत शर्मा के समर्थन में जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। भाई हम तो बराबर आते हैं और आज नामांकन करने जा रहे हैं निश्चित तौर पर।
और बाबूलाल अंबेडकर बाबा आशीर्वाद मांगा है कि हम इतनी शक्ति दे कि जनता का सेवा कर सके जीतने के बाद, और जो काम रह गया है भागलपुर जिला में उसकी आवाज लोक सुन, और मैं बता कि काम नहीं हुआ काम करेंगे कोई हो। मैंने विवाह में आपको कि मैंने कितने उठाए हैं, देखिए जाके कि इक्का लेके बीच के तरह उठाए हैं, और जो हमारी शादी है हमें चुन रहा है कुमदन में दिल्ली में अच्छे क्वेश्चन का प्रश्न तो वैसा नहीं होता है, इसलिए नेता मुझे जिताती है और जिताने के बाद मैं उनकी आवाज बन के काम बिल्कुल हमें तो जनता का उत्साह देख रहे हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं हमसे कि नहीं साहब काम होना चाहिए, निश्चित तौर पर हमको लग भारी बहुमत से हमें जनता जीत दिलाएगी। करने की ऐसे भी आते हैं, आज भी आए हैं, इनका फील्ड मैं तो हाउस में मेरा फील्ड नहीं है। क्या मांग भगवान से? भगवान से कोई कुछ मांग, वो तो अंतर्यामी दयानिधि है, वो देना खुद दे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व भागलपुर के पूर्व सांसद सुशील मोदी ने एक्स हैंडल पर खुद को कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी दी। इसके बाद बिहार में भाजपा कार्यकर्ता व सुशील मोदी के समर्थक दुखी हैं, मर्माहत हैं। आज भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में भागलपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महादेव का जलाभिषेक किया। कार्यकर्ताओं ने महादेव से पूजा कर सुशील मोदी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुशील मोदी के बीमार होने की सूचना मिली, भागलपुर से वो सांसद रहे, बिहार में भाजपा को मजबूत किया, कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े रहे। उनके बीमार होने की सूचना पर दुखी हैं, इसलिए आज बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर महादेव से उन्हें जल्द स्वस्थ करने की कामना कर रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े रहने वाले और अपने भाजपा को अपना परिवार और उस सुशील मोदी जी को यहाँ के लोग अपना परिवार मानते हैं, ऐसे भाजपा परिवार के ऐसे वरिष्ठ और अभिभावक के बीमार होने की सूचना के बाद सभी कल से ही काफी मर्माहत हैं, और बाबा बृहदेश्वरनाथ के इस पावन पवित्र मंदिर में आकर आज हम लोग उनका अभिषेक कर जल्द उनके स्वस्थ की कामना कर रहे हैं कि जल्द आप स्वस्थ हों और बिहार भाजपा को आपकी आवश्यकता है। फैल गई है, हम सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, और आज बूढ़ानाथ के प्रांगण में हम लोग महादेव से प्रार्थना करने आए हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के फिर से हमारे बीच वो एक सफल कार्यकर्ता की तरह जैसे वो थे वैसे फिर से वो वापस आए हमारे बीच और हमारे साथ वो काम करे। कल से जो सूचना मिली, पूरे बिहार का और पूरे भारत का कार्यकर्ता उनको चाहने वाला पूरी तरह से व्यथित है, सबका मन द्रवित है, लेकिन वो योद्धा थे, वो योद्धा है, वो योद्धा रहेंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से भागलपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के अजीत शर्मा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से सिंबल लेकर भागलपुर पहुंचे। नौगछिया से ही उनका स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कई जगहों पर रोक कर जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाया, वहीं अजीत शर्मा ने भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं मांगनसा दरबार में चादर पोसी कर माथा टेका। मैं क्या पूजा करूंगा, जनता पूरा देख रहे उत्साह है, रोड सड़कों पे सब लोग लेके मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, ये मांगनसा मजार पर आए हैं। यही तो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी का, यही हमारा समाज, यही हमारा देश है, सब जगह जा रहे हैं, बहुत उत्साह है। कल नॉमिनेशन का डेट है, नॉमिनेशन करूंगा, आम सभा भी होगा जैसा कि हमको वर्कर्स बता रहे हैं। निश्चित तौर पर जो उत्साह हम देख रहे हैं, सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, और हमको लगता है कि चुनाव में हमारी जीत होगी। 2034 अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, साथ में कुछ विधायक है और भी, देखिए जिनको कल समय मिलेगा वो लोग आएंगे। अभी इतने लोग तो आ रहे हैं कि 3-4 विधायक हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सांसद राज्यसभा अखिलेश प्रसाद सिंह है, ये तो आ ही रहे, क्योंकि नॉमिनेशन है महागठबंधन का, इसलिए सब लोग आएंगे। तेजस्वी यादव तो आएंगे ही, अब चुनाव बहुत लंबा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर विधानसभा में उनका कार्यक्रम बन रहा है वो आएंगे। सर, भागलपुर की जनता हर बार ठगा हुआ महसूस कर रही है, इस बार जब आप चुनाव जीतेंगे तो विकास का क्या पैमाना होगा? सर, ऐसा है पैमाना आप पूछ रहे हैं, आप भागलपुर में 3 बार जीते विधानसभा में, क्या विकास हुआ आप देख रहे, चाहे वो गंगा का समानांतर पुल हो विक्रमशिला का, चाहे 4 लेन बनाने का मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी हो, भोलानाथ पुल हो, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं चंपा नाला पुल, काम बहुत हुआ है। और जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे और MP जब बनेंगे तो जनता की पूरी ताकत से लोकसभा में आवाज उठाएंगे, और जो भी विकास, चाहे वो इंडस्ट्री लगाने की बात हो, एयरपोर्ट चालू, जब तक एयरपोर्ट चालू नहीं होगा हमारा सिल्क उद्योग जो विश्व स्तर पर जाना जाता था वो आगे नहीं बढ़ेगा, एयरपोर्ट नहीं होगा तो या किसान के जो उपज होते हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले लोग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो युवकों को रोजगार कहाँ से मिलेगा,
किसान तरक्की करेंगे, इसलिए वो सब काम रहेगा और जनता की आवाज बनेगी। आईएमए भागलपुर शाखा के द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के पांचवें दिन क्राइस्टर डायोसम स्कूल में बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे इस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को होने वाली बीमारी के बारे में बताया गया और बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे इस पर डॉक्टरों ने सलाह दी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे। उन्होंने बताया, सभी अभिभावक अपने बच्चों को जंक फूड न खिलाएं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि यदि किसी को हार्ट की बीमारी हो तो CPR पद्धति के द्वारा आप उसे बचा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा निर्मित शॉर्ट फिल्म का भी लोकार्पण किया गया, जिस फिल्म का नाम है बदतमीज ड्राइवर की तमीज। इस फिल्म में यह दर्शाया गया किस तरह ड्राइवर अपने वाहन मालिक को सड़क दुर्घटना से बचाता है। आज के इस स्वास्थ्य शिविर में भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर मणिभूषण सहित शहर के कई वरीय चिकित्सक मौजूद थे। आज हमारे इस विद्यालय में पहली बार IMA की तरफ से आयोजित हुआ है हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम के बीच में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और हमारे बीच लाइक बच्चे सारे बहुत अच्छा सीखने को पाए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं आज, डॉक्टर अजय कुमार सिंह और उनके साथ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों के बीच में। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में और भी जब भी उन्हें मौका मिले हमारे विद्यालय में वो आए और इसी प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन करें ताकि हमारे बच्चे और भी बहुत कुछ सीखने सके। हम लोगों ने बच्चों के बीच स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान बांटे, उनको हाइजीन के बारे में बताया, उनको फूड के बारे में बताया, हेल्दी डाइट क्या है, जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए और वर्म कैसे फैलता है, हाथ धोने से कौन सी बीमारियां रुक सकती हैं, सांस में जैसे छींक से और सांस से कौन से बीमारियां जाती हैं, इत्यादि बातों पर बच्चों के साथ हम लोग ने इंटरेक्ट किया। उनको हम लोगों ने प्राइज और मेडल भी दिया और साथ ही हम लोगों का जो आज का थीम था बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब यदि कहीं पर दुर्घटना हो जाए, कोई बेहोश हो जाए, घर में हार्ट अटैक हो जाए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई किसी की बेहोशी हालत हो, मरने को हो, तो उसमें CPR के द्वारा कैसे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, किस तरह से हार्ट को पंप करके और मुंह से सांस देकर आदमी को बचाया जा सकता है। यदि CPR करे तो ऐसे 100 में 60 व्यक्ति की जान बच सकती है, जो यदि CPR नहीं करते तो नहीं बचती। इस तरह की बातों का ज्ञानवर्धक चर्चा हुआ, साथ में एक शॉर्ट फिल्म मेरे द्वारा निर्देशित और लिखित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, जिसका शीर्षक था बदतमीज ड्राइवर की तमीज। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा सेशन रहा, वहाँ के प्रिंसिपल मैडम ने काफ़ी कोऑपरेट किया, वहाँ के स्टाफ ने और वहाँ के अन्य टीचर्स ने काफ़ी इसमें सहयोग किया।